हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने कवर किया था सॉलिड, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो आज हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो देखिए मेनली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो चार टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है मेटलिक सॉलिड, तीसरा टाइप होता है कोवलेंट सॉलिड एंड फोर्थ एंड लास्ट टाइप होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो चलिए आज उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए ये चार टाइप हमने दिख लिया है, आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन सबके बारे में पढ़ना, और ये मैंने आपको जो है चार्ट के हिसाब से पढ़ाया है। चार्ट के हिसाब से मैं आगे आपके कंटिन्यू करूंगी, समझाऊंगी, ताकि आप एक जगह पर सारी चीजों को ढंग से समझ पाए। तो पहला हम जो कंपेरिजन करेंगे वो करेंगे कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं। तो हम पहला जो करेंगे कंपैरिजन वो करेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं आयनिक सॉलिड की, तो इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयन्स, वो होते हैं आयन्स। अब ये जो आयन्स है वो कैटायन्स भी हो सकते हैं एंड एनायंस। इन दोनों से मिलकर ये क्या बना होता है, आयनिक सॉलिड। तो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए, आयंस, कैटायंस और एनायंस। अगर मैं बात करूं मेटलिक सॉलिड की, तो मेटल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल, क्या होंगे, मेटल। ठीक है, तो इसके अंदर आयनिक सॉलिड के अंदर पता चल चुका है हमें, और मेटलिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे, मेटल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोवलेंट सॉलिड की, तो इसमें कौन से होंगे, नॉन मेटल। इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए, कोवलेंट के अंदर हो गया कोवलेंट्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हो गए मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होता है, सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ही जो है पूरा का पूरा सॉलिड बनता है। तो आयनिक सॉलिड में हो गया कैटायन और एनायन, जिसे हम आयन्स भी बोलते हैं। मेटलिक सॉलिड में हो गया मेटल्स, कोवलेंट सॉलिड में हो गया नॉन मेटल, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हो गया मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी कि ऐसी कौन सा फोर्स है इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़े हुए हैं। तो वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ओ ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एफ से फोर्स, ओ से ऑफ, ए से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, कौन सा फोर्स है जो कि कैटायन और एनायन को आपस में जोड़े हुए है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जनरली हम इसे आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में हम इसे, आयनिक बॉन्ड। बट ये होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेटलिक सॉलिड की बात करूं तो मेटल में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेटलिक बॉन्ड। कौन सा होता है,
मेटलिक बॉन्ड। आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, और मेटलिक सॉलिड में क्या कौन सा होता है? मेटलिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं कोवलेंट सॉलिड की तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। बात करें अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो इनमें कौन सा होता है? वांडरवॉल फोर्स। ध्यान रखिएगा, वांडरवॉल फोर्स। वांडरवॉल फोर्स। तो मैंने आपको बता दिया दो चीजें हमने कंपेयर करी है, पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA। आयनिक सॉलिड में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। मेटलिक सॉलिड में है मेटलिक बॉन्ड, कोवलेंट सॉलिड में होता है कोवलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है वांडरवॉल फोर्स। आपको पता ही होगा कि वांडरवॉल जो फोर्स होता है सबसे वीक होता है, और ये सारे फोर्स जो है ये टाइप ऑफ फोर्स मेटलिक बॉन्ड, कोवलेंट, आयनिक और वांडरवॉल, ये आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम थर्ड स्टार्ट करते हैं इसका, थर्ड कंपेरिजन। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इसका कंपेरिजन, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का आयनिक सॉलिड में कैसा होता है? हाई। आपको पता ही है जो आयन्स होते हैं ये आपस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जो है बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इनको मेल्ट करना या बॉइल करना, इसका जो पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इन्हें मेल्ट करना या बॉइल करना बहुत ही हार्ड होता है। तो इसलिए आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई। अगर मैं बात करूं मेटलिक सॉलिड की तो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? इसके अंदर भी हाई। बात करें कोवलेंट सॉलिड के अंदर तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? वेरी हाई, वेरी हाई। वेरी हाई क्यों? क्योंकि ऑल्दो हमें पता है कि इसका जो बॉन्ड है, कोवलेंट सॉलिड का जो बॉन्ड है वो आयनिक सॉलिड जितना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन फिर भी जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लीजिए डायमंड, कोवलेंट के अंदर क्या क्या आता है? डायमंड, सिलिका, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ही हाई होता है। बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की तो इसके अंदर कैसा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? लो, बहुत ही कम होता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ये जनरल थ्योरी है, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, बट ये कैसी थ्योरी है? जनरल थ्योरी है, जनरल थ्योरी है। फोर्थ कंपेरिजन हम करेंगे कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस किसके अंदर? कंडक्टेंस कैसी है? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करते हैं? तो अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूं तो इसके अंदर जो कंडक्टेंस होगा वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में होगा, सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये जो है कंडक्टेंस नहीं करते हैं, ये कब करते हैं? इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट। अब ये मोल्टन स्टेट में ही कंडक्टेंस क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं आयन्स, तो ये क्या करते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस के लिए क्या जरूरी है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है, और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे। तो मोल्टन स्टेट में आयनिक सॉलिड जो है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और इजीली ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इनकी कंडक्टेंस कब होती है? जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। बात करें मेटेलिक सॉलिड, तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ जो है कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस का जो कंपैरिजन है वो ये है कि आयनिक सॉलिड में ये कब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? इन मोल्टन स्टेट। और मोल्टन स्टेट में क्यों करता है इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूं। अब बात करते हैं मेटलिक सॉलिड में। मेटलिक सॉलिड में जो कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा होती है, हाइएस्ट होती है, हाइएस्ट होती है। अब हाइएस्ट क्यों होती है? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जनरली जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करते हैं। ऐसे में इनके पास जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर
क्रिस्टल में, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा कंडक्ट होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेटलिक सॉलिड में जो कंडक्टेंस है वो कैसा होता है, हाईएस्ट होता है। बात करें कोवलेंट सॉलिड की, तो इसमें कंडक्टेंस कैसा होता है, लो। अब यहां पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम कोवलेंट सॉलिड में तो डायमंड भी आता है, ठीक है, और साथ में ग्रेफाइट भी आता है। डायमंड तो ठीक है कंडक्टेंस नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट तो करता है। तो उस केस में तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये जनरलाइज्ड थ्योरी है, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। हमें पता है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसलिए वो जो थ्योरी है वो एक्सेप्शन है, बट हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो जनरलाइज्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो कोवलेंट सॉलिड है मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, कंडक्टेंस लो ही इसका होता है। वही बात करूं मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो कंडक्टेंस कैसा होता है, इसका भी लो होता है। तो हमने एक चीज पढ़ ली कि कंपैरिजन कहाँ कहाँ किया हमने, आयनिक सॉलिड का, मेटलिक सॉलिड का, कोवलेंट सॉलिड का और मॉलिक्यूलर सॉलिड का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे थे, आयंस थे आयनिक सॉलिड में, मेटलिक सॉलिड में कैसे थे, मेटल एटम, कोवलेंट सॉलिड में कैसे थे, नॉन मेटल एटम, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कैसे थे, मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था आयनिक सॉलिड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मेटलिक सॉलिड में मेटलिक बॉन्ड, कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या था, वंडरवॉल फोर्स था। ये सारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में है, जो कि इसको अटैच करे हुए हैं, जिससे कि वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। मेटलिक पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक सॉलिड में हाई है, मेटलिक सॉलिड में भी हाई है, कोवलेंट सॉलिड में वेरी हाई है और मॉलिक्यूलर सॉलिड में लो है। बात करें कंडक्टेंस की, तो कंडक्ट करता है आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी ओनली मोल्टन स्टेट में, मेटलिक सॉलिड में सबसे हाईएस्ट है, कोवलेंट सॉलिड में लो है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में लो है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, फिफ्थ पॉइंट है हमारे एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स, तो आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन हो, कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। एक एग्जांपल जो कि आप डेली यूज में भी लेते हैं घरों में, NaCl नमक, NaCl। दूसरा क्या हो सकता है सोचे थोड़ा सा, क्योंकि इतना तो आपको देखिए आइडिया लग ही जाना चाहिए, KCl। अब इधर देख लीजिए, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, वही हमने यहां पर बात करी थी कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कैटायन और एनायन, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड। बात करें अगर मेटलिक सॉलिड की, तो इसमें क्या हो सकता है, आयरन, ठीक है, आयरन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जिंक। तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूं। कोवलेंट सॉलिड में क्या हो सकता है, सबसे फेमस कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकता है, सिलिकन सिलिका सिलिका बॉन्ड हो सकता है, ये इसके एग्जांपल। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या क्या हो सकता है, H2O, CO2 और H2। मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड का इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ ही क्या हो सकता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया हाइड्रोजन भी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी हैं आज अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर फर्स्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी एंड टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफस सॉलिड। आज लेक्चर टू है और लेक्चर टू में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप हैं, वापस से रिवीजन कर लेते हैं, आयनिक सॉलिड, मैट्रिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके कंपैरिजन मैंने आपको करवा दिए हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टेंस और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। आई होप आपको सारी चीजें आज समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।